हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इमरान टेक सॉल्यूशंस। दोस्तों, आजकल के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि उसको हर किस्म की न्यूज़ या उसको लैंग्वेज समझ आए। तो आजकल के इस फास्ट दौर में ये मुमकिन नहीं होता कि वो कुछ टाइम निकाल सके कि कोई किसी भी किस्म की लैंग्वेज जो है वो लर्न कर सके, कहीं उसको हासिल कर सके, उसको सीख सके। तो उसका हल मेरे पास है और मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं इसको खुद भी यूज़ करता हूँ पर्सनली। आप उसको इंस्टॉल कीजिए और सिंपली आपको करना ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाना है और उसको सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ईजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए, और इस एप्लीकेशन में आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जो जो उसके अंदर मौजूद है, आप उसको इजीली अपनी लैंग्वेज के अंदर विद इन ए सेकेंड कॉपी पेस्ट करके उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आने पर चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए। वीडियो को समझने के लिए इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने लास्ट में जो स्टेप बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस काम के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑल लैंग्वेज। ये आपको आपके गूगल प्ले स्टोर में ईजिली मिल जाएगी और इसका मैं लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर में, देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल होता है। गूगल प्ले स्टोर आपने खोला, ओपन किया, यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे ऑल लैंग्वेज। इसको आपने क्लिक किया तो ये देखिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। तो मेरे पास जो सबसे जो अच्छी एप्लीकेशन जो मुझे सूट करती है वो ये वाली है, ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्री वॉइस ट्रांसलेशन। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया तो देखिए इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह का नज़र आएगा आपको। मैं इसका लिंक भी दे दूँगा आपको, और ये चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसे ओपन शो कर रहा है, और आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो चलिए आइए मैं अपनी मोबाइल की जो एप्लीकेशन है जिसमें मैंने इंस्टॉल की हुई है उस पर चलता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए ये ओपन हो रही है इस वक्त। कुछ देर के लिए इसमें ऐड आएगा, आप उस ऐड का वेट करें और जब वो ख़त्म हो जाए तो इसको आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो देखिए ये एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो इसमें तीन ऑप्शन है, ट्रांसलेट, डिक्शनरी या कंट्री डिटेल्स। तो हमने अभी ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हम अपनी वो लैंग्वेज जो हमने ट्रांसलेट करनी है उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो हमने इसको सिंपली इसको ओपन किया, देखिए कि मैंने इसमें जो सेटिंग की हुई है वो इंग्लिश टू उर्दू की हुई है। तो आपने जो भी लैंग्वेज की सेटिंग करनी है वो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये शो हो रही है इंटरफेस पे। तो इंग्लिश टू उर्दू मैंने की हुई है, आप इसको इंग्लिश टू अरबिक, हिंदी, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी उस लैंग्वेज को या उस पार्ट को जो हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश का। तो मैं ऑलरेडी मैंने वो पार्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये सेम फॉर एग्जांपल ये मैंने जो पार्ट इंग्लिश का पार्ट ये मैंने इस ट्रांसलेट करना है, तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इस पूरे पार्ट को और सीधा वापस मैं जाऊँगा बैक, और यहाँ पर आके मैं अपने थंब के ज़रिए यहाँ पर इसको प्रेस करके रखूँगा और ये पेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए ये ऑलरेडी जो है पूरी जो जितनी भी मेरी वो स्टेटमेंट थी इंग्लिश की वो मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ।
अब देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं नीचे ट्रांसलेट या वॉइस ट्रांसलेट, तो मैंने इसको सिंपली ट्रांसलेट पे करना है। तो देखिए इसने विद इन सेकेंड जो है इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। तो हमने क्या करना है, अगर हमने इसको मज़ीद कहीं और करना है, पेस्ट करना है, तो ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, हमने सिंपली इसको कॉपी कर देना और जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ ये ऑलरेडी पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको पेस्ट करते हैं कहीं जाके। यहाँ मैंने किसी को व्हाट्सएप पे भेजना है तो मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, तो देखिए ये ऑलरेडी आ चुका। तो इसी तरीके से अगर आप उर्दू टू इंग्लिश करना चाहें तो ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ये कॉपी का ऑप्शन में जाके इसको मैंने ऑप्शन किया, यहाँ मैं गया और यहाँ पर पहले मैंने इसको क्लियर कर दिया। जब मैंने क्लियर का ऑप्शन किया तो सारा जो भी स्टेटमेंट थी मेरी वो चली गई, यानी कि डिलीट हो गई। अब मैंने क्या करी, यहाँ पर सेटिंग चेंज कर दी है, यहाँ पर इंग्लिश था तो मैं अब मैं उर्दू करूँगा। ये कुछ देर के लिए ऐड आते हैं, इसको आपने देख कर इसको हमने डिलीट कर देना है। तो हमने इंग्लिश की जगह पर यहाँ पर अभी उर्दू सेलेक्ट करना है। आप अपनी लैंग्वेज कोई भी हो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम जा रहे हैं ऑप्शन ये उर्दू, और यहाँ पर जहाँ उर्दू था वहाँ पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। तो देखिए कि यहाँ पर इंग्लिश ये का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था उर्दू स्टेटमेंट यहाँ ये पेस्ट कर दी। जब ये आ गई तो मैंने क्या किया, दोबारा से वही प्रोसेस ट्रांसलेट के ऑप्शन को क्लिक कर लें। तो देखिए ये इंग्लिश में इसने कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही सूटेबल है उन लोगों के लिए जो कि कुछ मतलब इंग्लिश सीखना चाहें या उर्दू सीखना चाहें, तो बहुत ही ज़्यादा ये सूटेबल है ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आपको इसी तरीके से आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और विद इन ए सेकेंड आपसे हर वो काम, हर वो लैंग्वेज जो आप ट्रांसलेट करना चाहें ईजीली जो है वो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो फ्यूचर इंटरेस्टिंग जो वीडियो है वो आप तक ईजीली पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू।